हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस 2013। ये है सेट नंबर 6। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये है मेरा टेलीग्राम अकाउंट, और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो इस अकाउंट पर मुझे पूछ सकते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे साइंस एंड टेक के एमसीक्यूज। ठीक है, एक बार हम ब्रेक डाउन देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हुआ 18। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ पेशेंट। मतलब ये चार जो मिरर दिए हुए हैं उनमें से जो डेंटिस्ट कौन सा यूज करता है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन या सिलेंड्रिकल। ठीक है, देखिए करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए, कॉनकेव। देख सकते हैं आप द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन टीथ इज अ कॉनकेव मिरर। क्लियर, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ बाय सरफेस। देखिए आपको ये पता होनी चाहिए हमारी अर्थ जो एटमोसफेयर होता है उसमें पांच लेयर होती है। सबसे पहली होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होती है हाँ यहाँ पे देख सकते हैं आप मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और लास्ट में हमारी होती है एक्सोस्फेयर। और एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को मिला के क्या बनती है, आइनोस्फेयर। क्लियर, तो हम क्वेश्चन में पूछ रहा है वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो कौन सी हमारे लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपके ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। देखिए अभी हमने देखा ये इस इमेज में किस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, आइनोस्फेयर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आइनोस्फेयर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड बाय यूज्ड इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ अ टीवी। मतलब एक जो टीवी होता है उसके रिमोट में कौन सी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। आपके ऑप्शन है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट या नन। देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इंफ्रारेड। देखिए ये देख सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन, इंफ्रारेड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड इन रिमोट टू कंट्रोल अ टेलीविजन। क्लियर, इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेडिएशन दैट इज ऑब्जॉर्ब बाय ओजोन प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। ठीक है, कौन सी इन चारों ऑप्शन में से रेडिएशन है जो ओजोन द्वारा ऑब्जॉर्ब कर ली जाती है। देखिए ऑप्शन है आपके इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट या माइक्रोवेव। देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्लियर, देख सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट इज ऑब्जॉर्ब बाय ओजोन प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। मतलब ये चार गैसें हैं उसमें से प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कौन सी गैस है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था जो क्लोरीन होती है वो मेनली किस लिए होती है, टू किल बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको किल करने के लिए होता है मेनली क्लोरीन। ठीक है, तो जो क्लोरीन गैस है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। जो क्लोरीन गैस होती है वही किसके लिए यूज होती है, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये मेनली यूज होती है एसिड रेन में। क्लियर, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, फ्लोरीन मेनली होता है जो हम पावर न्यूक्लियर पावर एनर्जी होता है ना उसको जनरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्लोरीन गैस का। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम वेयर वॉज द 100th स्पेस मिशन ऑफ इसरो लॉन्च इन सेप्टेम्बर 2012। मतलब जो 100th स्पेस मिशन था इसरो का वो कहाँ से लॉन्च हुआ था। आपके ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, ठीक है, महेंद्रगिरी, थुम्बा या बेंगलुरु। देखिए करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्रीहरिकोटा। देख सकते हैं आप हिंदुस्तान का आर्टिकल है श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, 100th स्पेस मिशन PSLV C21 ऑन September 2009। ठीक है, तो मतलब हमारा आंसर पूछा था कहां से लॉन्च हुआ था, ऑप्शन में हो जाएगा श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन सितंबर 2012 इंडिया हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम्ड। मतलब जो सितंबर 2012 में हमने हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करी थी उसका नाम क्या था, स्पॉट, लैंडसेट 10, जीसेट 10 या ओशन सेट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये देख सकते हैं इसरो का आर्टिकल है इंडिया कम्युनिकेशन सैटेलाइट जी सेट। ठीक है, ये रहा जी सेट टू बी लॉन्च इन सितंबर 2012। क्लियर, जी सेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रुप ऑफ स्टार अरेंज इन अ डेफिनेट पैटर्न कॉल्ड, मतलब जब स्टार एक डेफिनेट पोजीशन पैटर्न में अरेंज होते हैं तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं। देखिए मिल्की वे, ये तो आप ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये गैलेक्सी का नाम है। ठीक है, सोलर सिस्टम तो आपको पता ही है, हमारे कितने प्लैनेट हैं, एट प्लैनेट हैं। ठीक है, उसको ही हम सोलर सिस्टम कहते हैं जो सन के अराउंड इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है, एंड्रोमेडा ये भी एक गैलेक्सी है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे मिल्की वे उसी तरह एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बचता ही क्या है, सिर्फ ऑप्शन बी। ठीक है, कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेशन इज हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन बाय, मतलब जो रेफ्रिजरेशन है वो फूड प्रिजर्वेशन में कैसे हेल्प करता है, किलिंग जर्म्स, ठीक है, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ मैक्रोकेमिकल रिएक्शन, डिस्ट्रॉइंग द एंजाइम एक्शन, या सीलिंग ऑफ फूड विद द आइस। देखिए आपको ये ए, ठीक है, डी और सी तो आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है, ठीक है, ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि जर्म्स को कैसे किल कर देगा, ठीक है, और सील भी नहीं करेगा फूड को। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी ही बचता है, ठीक है, जो है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साउंड अबव लेवल इज कंसिडर्ड हजार्डियस नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, मतलब किस डीबी से साउंड अबव जो होगा वो हजार्डियस माना जाएगा। देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे आप समझना, ठीक है, जो 70 डीबी होता है ना साउंड, 70 डीबी या इससे कम, ये मेनली होता है मतलब ह्यूमन के लिए अच्छा माना जाता है, इतने साउंड तक एक जो ह्यूमन है वो सुन सकता है या मतलब बियर कर सकता है। बट अगर 80 या 80 से अबव हो जाए ना, तो इसको हम हजार्डियस नॉइस पोल्यूशन की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, याद रखना, तो आंसर हो जाएगा हमारा 80 डीबी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2013 इसरो एंड नासा अग्रीड टू फॉर्म द वर्किंग ग्रुप फॉर द कॉर्पोरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंडेवर्स, मतलब इन चार फील्ड में से, मतलब इन तीन फील्ड में से किस में जो इसरो और नासा थे अग्री हो गए थे वर्क करने के लिए टुगेदर, मून एंड मार्स मिशन फॉर फ्यूचर, मेट्रोलॉजी एंड स्पेस, हेलियोफिजिक्स, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे सारे तीनों के तीनों फील्ड ही आ जाएंगे। ठीक है, 2013 में नासा और इसरो ने एक अग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें नासा और इसरो ने किसके मतलब ये तीन जो पॉइंट दे रखे हैं, मार्स एंड मून मिशन फॉर फ्यूचर, ठीक है, मेट्रोलॉजी और हेलीफिजिक्स, तीनों पर ही काम करने के, एक साथ काम करने के लिए अग्री हुए थे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2013 द रशियन स्पेसक्राफ्ट एस्टैब्लिश अ न्यू रिकॉर्ड बाय रीचिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ओनली इन 6 आवर्स, व्हिच अर्लियर यूज्ड टू टेक 2 एंड 3 आवर्स। मतलब सिंपल से अगर भाषा में मैं आपको बताऊं तो ये पूछ रहा है कि 2013 में जो रशिया ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था उसका नाम क्या है, ये बता दो आप। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है स्पुतनिक 2, ज़ोंड, सोयुज़ू या वेनेरा। देखिए करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, शोइजू। देखिए यहाँ पे बीबीसी का आर्टिकल है, शोइजू रॉकेट रीचेस आईएसए मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन रिकॉर्ड टाइम। ठीक है, मतलब तीन घंटे में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच गया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 2013 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स हैज बीन अवॉर्डेड जॉइंटली अ फ्रेंच साइंटिस्ट एंड अमेरिकन साइंटिस्ट फॉर देयर रिसर्च इन, मतलब 2013 का जो नोबेल प्राइज था इन फिजिक्स वो दो लोगों को मिला था, ठीक है, जो कि एक फ्रेंच था एक अमेरिकन था। वो किस फील्ड में मिला था, स्पेस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम फिजिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स। देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द वेरियस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड फायर इंडियन मार्च 2013। देखिए आप इसको ना देख के क्वेश्चन आंसर करना क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि मेनली बात करिए मार्च 2013 की। ठीक है, ब्रह्मोस के कई सारे वर्जन आ गए हैं, बट जो मार्च 2013 में लॉन्च हुआ था ना वो वर्जन आपको बताना है, एयरक्राफ्ट वर्जन, शिप वर्जन, लैंड वर्जन या सबमरीन वर्जन। देखिए करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सबमरीन वर्जन। ठीक है, मार्च 2013 में, ठीक है, सबमरीन वर्जन लॉन्च किया था इंडिया ने, किसका, ब्रह्मोस वर्जन का, क्लियर, सबमरीन वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अमीनो एसिड थायरोसिन एंड प्रेजेंट इन द प्रोटीन फूड रिच।
ठीक है, मतलब अमीनो एसिड और थायरोसिन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत नहीं है, ठीक है, आपको बताना है। इट कैन हेल्प इंक्रीज द एनर्जी लेवल, नहीं, ठीक है। इट कैन कोप द इमोशनल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इट कैन कॉम्बैट डिप्रेशन, हो सकता है, बट करेक्ट ऑप्शन हमारा है यहाँ पे ऑप्शन डी। इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फ्री रेडिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, क्लियर। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन यूपी आईटी सिटी इज बीइंग एस्टैब्लिश, दो, मतलब जो यूपी में आईटी सिटी एस्टैब्लिश हुई थी वो कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी। आपके ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी। देखिए करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लखनऊ। लखनऊ में एस्टैब्लिश हुई थी यूपी की आईटी सिटी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपार्ट फ्रॉम द सैटेलाइट सरल, इसरो लॉन्च 6 मोर सैटेलाइट इन 2013 फ्रॉम श्रीहरिकोटा बिलोंगिंग टू सम अदर कंट्रीज हुज नंबर इज, मतलब जिनका नंबर बताना है जिस जो कि इसरो ने लॉन्च करी थी, अपार्ट फ्रॉम 6 सैटेलाइट लॉन्च बाय हरिकोटा, मतलब जो हरिकोटा से लॉन्च करी थी उसके नंबर बताने हैं आपको, ठीक है, कितने नंबर थे। तो मेनली यहाँ पे थे 4 नंबर ऑफ सैटेलाइट, क्लियर, 4, ठीक है, क्लियर, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन, आपको मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को, ठीक है। जैसे आप देखिए, अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं पता ना, अगर एक पता होगा तो एक से आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मेरे को इसमें एक ही पता था जो आकाश 2 था, ठीक है, आकाश मुझे पता था एक टैबलेट है, ठीक है। अब देखिए डी में 1 कहाँ है, डी में 1 एक ही जगह था, तो वही आंसर बन गया हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, क्यूरियोसिटी रिवर है मार्स प्रोब व्हीकल ऑफ यूएसए, ठीक है, मैसेंजर है मरकरी प्रोब मिशन ऑफ नासा, ठीक है, और रुस्तम है अनमैन एरियल व्हीकल ऑफ DRDO, ठीक है। तो मतलब आंसर होना चाहिए आपका 3, 3, 4, 2, 1, देख लीजिए आप किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो ये थे हमारे आज के साइंस एंड टेक के MCQ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।